आज हम डेल के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि लुक वाइज प्रीमियम होगा, कॉम्पैक्ट होगा और हैंडी भी होगा। दोस्तों डेल के बिजनेस सीरीज लैपटॉप्स में कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि मॉडल तो एक है बट वेरिएंट्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी डेल एटीट्यूड 7400 के बारे में, मॉडल तो एक था बट वेरिएंट्स 3 थे, तो वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं डेल एटीट्यूड 7390 के बारे में। तो ये लैपटॉप मॉडल तो एक होगा बट दो डिफरेंट वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम फुली डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि इन दोनों वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है। पहला वेरिएंट जो हमारे पास सब लेवल है वो डेल एटीट्यूड 7390 ट्विन 1 है, फुली 360 डिग्री रोटेबल है, आप इसको एज अ टैब भी यूज कर सकते हैं, एज अ लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। सेकंड वेरिएंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो डेल एटीट्यूड 7390 होने वाला है और ये 180 डिग्री तक रोटेट होता है, आप इसको 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इस मॉडल के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 13.3 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो कि टच स्क्रीन होगा। अगर हम बात करें सेकंड वेरिएंट के डिस्प्ले के बारे में तो इसमें भी आपको 13.3 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिलता है जो कि टच वाला वेरिएंट अभी मेरे पास ये है, सेम वेरिएंट नॉन टच में भी अवेलेबल होता है। बात करते हैं फर्स्ट वेरिएंट के कीबोर्ड के बारे में तो इसमें आपको मिलता है कॉम्पैक्ट साइज कीबोर्ड जो कि फुली बैकलाइट कीबोर्ड होगा और साथ साथ स्पिल रेसिस्टेंस भी होगा। अगर हम बात करें सेकंड वेरिएंट के कीबोर्ड के बारे में तो आपको इसमें भी कॉम्पैक्ट कीबोर्ड मिलने वाले हैं जो कि फुली बैकलाइट होंगे और साथ साथ स्पिल रेसिस्टेंस भी होगा। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वेरिएंट के ट्रैक पैड के बारे में तो काफी कॉम्पैक्ट ट्रैक पैड इसमें आपको मिलने वाला है जो कि मल्टी फिंगर गेस्चर सपोर्टेड होगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड वेरिएंट के ट्रैक पैड के बारे में तो जैसा कि आपको फर्स्ट वेरिएंट में ट्रैक पैड देखने को मिला है, सेम इसमें भी आपको कॉम्पैक्ट ट्रैक पैड देखने को मिलेगा जो कि मल्टी फिंगर गेस्चर सपोर्टेड होगा। अगर हम बात करें दोनों वेरिएंट्स के स्पीकर क्वालिटी की तो दोनों की स्पीकर क्वालिटी काफी डिसेंट मिलने वाला है। बात करते हैं फर्स्ट वेरिएंट के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो इसमें आपको मिलता है इंटेल का विप्रो प्रोसेसर जो कि कोर i5 होगा, 8350U का प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि 1.9 GHz का होगा। अगर हम इसके रैम के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है 8GB का रैम जो कि नॉन एक्सपेंडेबल है। अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 256GB का NVMe SSD जो कि एक्सपेंडेबल है। सेम वेरिएंट आपको i7 विद 16GB रैम और 512GB SSD कार्ड के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर हम सेकंड वेरिएंट के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें भी आपको मिलता है इंटेल का विप्रो प्रोसेसर जो कि कोर i5 होगा, 8350U का प्रोसेसर मिलता है जो कि 1.9 GHz का होगा। अगर हम रैम की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 8GB का रैम जो कि एक्सपेंडेबल है, आप इसको 32GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो उसमें आपको मिलता है 256GB का NVMe SSD जो कि एक्सपेंडेबल है, आप 2TB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम वेरिएंट आपको i7 में भी सेकंड वेरिएंट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम दोनों वेरिएंट्स की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंसेस की बात करें तो इस मॉडल में आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं जो कि ऑन बोर्ड रैम इसमें आपको मिलने वाला है, और अगर सेकंड वेरिएंट की बात करें तो इसमें आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं जो कि एक्सपेंडेबल है। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो फर्स्ट वेरिएंट के ये रहे आपके लेफ्ट साइड के पोर्ट और ये रहे आपके राइट साइड के पोर्ट। अगर हम बात करें सेकंड वेरिएंट्स के पोर्ट्स के बारे में तो ये रहे आपके लेफ्ट साइड के पोर्ट और ये रहे आपके राइट साइड के पोर्ट। अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की तो इसमें आपको फर्स्ट वेरिएंट जो कि 2-in-1 वाला मॉडल है वो आपको 26,000 में देखने को मिल जाएगा जो कि i5 वेरिएंट होगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड वेरिएंट के प्राइसिंग के बारे में तो आपको 24,000 में ये लैपटॉप मिल जाएगा जो कि i5 में होगा। तो इसी तरीके के डेल एटीट्यूड 7390 के प्रीमियम वेरिएंट्स परचेस करने के लिए जल्दी से जल्दी हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999962579।